बाढ़ के कहर से जहां ग्रामीण इलाके के लोग जूझ रहे हैं, वहीं मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर में लगातार इजाफा हो रहा है। लगातार जलस्तर बढ़ने से जिले के शहरी इलाकों में रह रही एक बड़ी आबादी को बाढ़ का सामना करने पर मजबूर है। जल जमाव होने के कारण इलाके में रह रहे लोग नाव का सहारा ले रहे हैं, नाविक लोगों से मनमाना पैसा वसूल रहे हैं। बताते चले कि जिले के अहियापुर थाना के शेखपुर ढाब में रह रहे लोगों की स्थिति दयनीय हो चुकी है। पूरे इलाके में बाढ़ का पानी जम गया है, जिससे लोगों को जाने आने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग अपनी छतों पर रहने को मजबूर है, क्योंकि नीचे हर जगह पानी ही पानी है। यहाँ लोगों ने थर्मोकोल की नाव बनाई है, जिससे या किसी तरह अपना राशन पानी लेने घर के बाहर मुश्किल से ही निकल सकते हैं। यहाँ के लोग 4 महीने इसी बदहाल स्थिति में जीते हैं, लेकिन इनका सुनने वाला कोई नहीं है। मंत्री और विधायक यहाँ तब आते हैं जब चुनाव का समय आता है। स्थानीय लोगों ने बताया कि शेखपुर ढाब मोहल्ले में करीब 10,000 लोग रहते हैं। बाढ़ को देखते हुए प्रशासन की तरफ से इलाके में महज 2 नाव उपलब्ध करवाई गई है, जिसके कारण निजी नाव का सहारा लिया जा रहा है। इसका फायदा निजी नाव संचालक और नाविक उठा रहे हैं। बताया गया कि जहां 10 रुपए किराया लगने थे, वहां 50 रुपए तक ले लिए जाते हैं। रात के समय 100 से 200 रुपए तक किराया वसूला जाता है। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि कोई खबर छूट न पाए।